सम्मानित तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे दर्शकों, जैसे आप सब जानते हो कि हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र सिख एमएलए मौजूद हैं, सरदार बख्शी सिंह विरक, जो असंध विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रतिनिधित्व करते हैं। विरक साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि बजट के बारे में बताइए। जिदा साडा हरियाणा का यह पंजवीं बारी बजट पेश होया है, यह बड़ा एक सराहनीय कदम है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा के वित्त मंत्री साढ़े कैप्टन जी ने बहुत ही सुचजे ढंग के नाल ये जरा पेश किया है, जिहड़ा कि 2014 तो पहलों जिन्हें भी बजट पेश होंदे सन ये सब तो ज़्यादा वधिया एक सराहनीय कदम है। और 2014 तो लेके अज तक जिन्हें भी साढ़े बजट पेश होए ने बड़े ही अच्छे तरीके होए ने। ये हर किसान वर्ग नूं, मजदूर वर्ग नूं, व्यापारी वर्ग नूं, खेतीबाड़ी करने वाले नूं और जो दस्तकार ने उन्हां नूं बड़ा लाभ मिलेगा। हर आदमी इससे बड़ा खुश है। एयर सर्जिकल अटैक किया मोदी साहब ने 3:30 बजे और उसके 300 आतंकवादी मार गिराए हैं और सिख कौम एक बहादुर कौम रही है, और आप अपनी कौम की तरफ से और पार्टी की तरफ से पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहो? मैं तो एक संदेश देना चाहना वहाँ कि साढ़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अज तो थोड़े दिन पहलों भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उन्होंने फिर उन्होंने इस गल की अकल नहीं आई। लेकिन जेडे साढ़े पुलवामा उन्होंने 40-42 नौजवान बच्चों शहीद किया, अनहत्या के उत्ते उन्होंने हमला किया, वो जवाब अज 3:30 बजे सवेरे साढ़े देश के प्रधानमंत्री जी ने उस हवाई जहाज के माध्यम तो अटैक करके उन्होंने लोगों के 300 जे आतंकवादियों के जोड़े ठिकाने सन उन्होंने खत्म करने का काम किया। 300 आतंकवादी वो खत्म होए। ये कि साढ़े गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी एक गल कही थी कि 1,25,000 से एक लड़ाऊँ तभी गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ। उस गल नाजर हाजिर समझद्या होया साढ़े देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सराहनीय कदम चुकया है। अज साढ़े देश की 130 करोड़ जनता जिहड़ी है बड़े खुशियां की लहर च लगी फिरती है, और इन्हां पाकिस्तान वालियां ने अगर हुण अख चुक के भी साढ़े वल वेख्या तो इन्हां नूं दोबारा फिर इस तरह ही इन्हां नूं मजा चखाया जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सरदार बख्शी सिंह विरक, जो एकमात्र सिख उम्मीदवार हैं बीजेपी के। आपने देखा होगा उनमें किस तरह का जोश है, और हमारे बीच में इतने सभी लोग खड़े हैं, ये भी सभी खुश हैं, और हमारे बीच में भाई साहब बैठे। भाई साहब, कैसा लगा आज मोदी साहब ने जो सवेरे सर्जिकल अटैक किया पाकिस्तान पर? जिहड़ा अटैक किया इंडिया वास्ते असीं वधाई भी दिंदे हां। जिहड़ा साडे हाथ होए सी, साडे दिल नूं ठेस पहुंची सी, उहदा बदला जिहड़ा मोदी जी ने लिया है उहदे वास्ते उहनां दा अपने दिल नालों शुक्रिया अदा करने, उहनां नूं दिल नाल सलाम करने हां। तो भाई बहनों, आपने देखा किस तरह से सिख कॉमेडी के अंदर जो सदियों से बहादुर हैं, चाहे बॉर्डर फिल्म की बात हो, चाहे जहाँ भी मर्जी बात हो, तो सिख कौम ने अपना एक प्रतिनिधित्व कायम किया है। आज वो बहादुर सिपाही सिख कौम के किस तरह से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं कि पाकिस्तान वालों देख लो कि हिंदुस्तान के हमारे चाहे जितने मतभेद आपस में हो, लेकिन जब देश की बात आती है हम सब इकट्ठा होकर मजबूती से सामना करते हैं। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, मेरे कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ, अर्थ प्रकाश टीवी चैनल से।